ओम शांति पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु की अति प्रिय संतान पिता श्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के देश विदेश में सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों आप सबको कल मातेश्वरी सरस्वती जी के पुण्य तिथि पर बहुत बहुत दिल की दुआओं के साथ शुभकामनाएं स्वीकार जब मैं मातेश्वरी सरस्वती जी का ध्यान करता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा सोचता हूँ तो मुझे उनकी जीवन कहानी सामने आ जाती है। जैसे कहा जाता है कोई आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित होती है तो अवतार का स्वरूप होता है और मम्मा की या मातेश्वरी जी की जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुखिया बनने का आधार क्या था वो एक प्रकार से ऐसे ही कहेंगे कि जैसे वो एक अवतरित हुई आत्मा हो मम्मा को जैसे ये बात बाबा ने कही कि आप अपना निर्णय करो मुझे क्या करना है और मम्मा ने 24 घंटे बाबा से समय मांगा विचार करने के लिए और अगले दिन मम्मा ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मुझे इस पुरानी दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बनाना है मैं परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ू और उनकी इस दिव्य बुद्धि को देख करके, उनके इस निर्णय को देख करके उनकी इस हिम्मत को देख करके, और इसमें बुद्धिमत्ता को देख करके, पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने मातेश्वरी जी को आज से लेकर के जो माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया था उसका हेड बना दिया और मातेश्वरी जी ने आजीवन अपने प्रैक्टिकल लाइफ से अपने मन की स्थिति से अपने नैनों की दृष्टि से अपने वाणी की मधुरता से इस संसार को पावन बनाने में श्रेष्ठ बनाने में ऐसा योगदान दिया जो आज के युग में कोई इतना नहीं कर सकता मातेश्वरी जी की यूं तो जीवन कहानी काफ़ी लंबी है लेकिन मैं कहूँगा कि मैं 20 साल की उम्र में जब इस यज्ञ में प्रवेश किया बॉम्बे के अंदर और एक महीने के अंदर मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मातेश्वरी जी से सन्मुख मिलने का उनके महावाक्य सुनने का और उसके अनुसार अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिलेगा मातेश्वरी जी एक महीना 1959 की बात है एक महीना बॉम्बे में जब रही थी तो उनके क्लासेस सुन करके उनके साथ योग की जो अभ्यास की बात है वो हमने सीखी और साथ में मैनर्स क्या होते हैं मनुष्य से देवता बनने का जो लक्ष्य है ऐसे जो अपने कदम रखते हैं इस रास्ते पर उनके मैनर्स क्या होते हैं वो मातेश्वरी जी से हमने सीखे मिसाल के तौर पर मुझे अगर मम्मा बुलाती थी तो निर्वैर जी कहेंगे मैं बहुत छोटा था मम्मा बहुत बड़ी थी तो मैं कहता था मम्मा मेरे को आप सिर्फ निर्वैर बोलो लेकिन जब भी मम्मा ने बुलाया तो निर्वैर जी जी के बिना मम्मा किसी से बात नहीं करती थी और दूसरा जो भी कोई कन्याएं मम्मा के संपर्क में आती उनको बहुत प्यार से पालना दे करके और ईश्वरी सेवा के योग्य बनने का की हिम्मत दिलाती और ऐसे हैं कोई ना कोई बहने भाई कहीं ना कहीं जिन्होंने मम्मा की पालना ले करके और अपने जीवन को इतना महान बना दिया मातेश्वरी जी की कई सारी बातें हैं उनमें सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल की है कि जब मैं जयपुर में अपनी छुट्टियों में सेवा करके और मधुबन आके मम्मा को सारा समाचार सुना रहा था उस समय जो मम्मा ने मुझे एक हिम्मत दिल मैंने समाचार सुनाते सुनाते मम्मा से कहा कि मैं इतना मेरा मन खुश होता है सेवा में ईश्वरी सेवा में मेरी दिल होती है मैं पूर्णतया इसमें समर्पित होकर के सेवा करूँ मातेश्वरी जी ने इतना प्यार से मुझे उत्साह और उमंग दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में खाने को दो रोटी चाहिए पहनने को दो कपड़ा चाहिए वो तो बाबा के यज्ञ में सब कुछ मिल जाता है आप भले सेवा करो और उस मम्मा की उस बात ने मुझे इतना उमंग दिया कि मैं बहुत अच्छी इंडियन नेवी में सर्विस कर रहा था लेकिन मेरे दिल में इतना उमंग आया कि मैंने अपने जो भी निमित ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी ईश्वरी सेवा करनी है और मुझे 25 साल की उम्र में नेवी से छुट्टी मिली और मैं ईश्वरी सेवा में लग गया और ईश्वरी सेवा में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मातेश्वरी जी से संबंध रखने वाली है उनमें दो बातें खास हैं एक तो मातेश्वरी जी ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राधे कृष्ण और त्रिमूर्ति इस चित्र का डिज़ाइन जो था वो बॉम्बे में रह करके बनवाया था लगभग तीन मास मम्मा वहाँ रही थी और हमारे आदरणीय बहन के पिताजी काकू भाई आर्टिस्ट को लेकर के आए थे और उस आर्टिस्ट के द्वारा वो चित्र बनवाया था और उस चित्र को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए शील दादी के द्वारा ट्रांस में उनको भेजकर और वो चित्र को देखती थी बाबा के पास जा कर के और उसमें जो कमी होती थी वो आकर आर्टिस्ट को बताती थी और फिर आर्टिस्ट उस अनुसार उसको करेक्ट करता रिफ़ाइन करता और तीन मास तो लग गए लेकिन वो डिज़ाइन इतना सुंदर बना जो आज दिन तक उस डिज़ाइन से कितने चित्र छपे होंगे कितनी ट्रांसलाइट बनी होगी और कितना सबको उमंग देने वाला एक देखने को डिज़ाइन मिलता है कि देवी देवताएं वास्तव में किस तरह से रहते थे तो एक तो ये विशेष बात है और एक बात और मेरे मन में आती है जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने मातेश्वरी जी को पोप के बारे में भारत में आने के पहले उनका जो समाचार पेपर में छपा था उसको पढ़ने के बाद मम्मा को विशेष इशारा दिया कि आप पोप को आमंत्रित करो और उसमें विश्वकिशोर दादा भी मम्मा के पास थे उस समय रमेश भाई भी थे तो उस समय मम्मा ने जो टेलीग्राम भेजी उस टेलीग्राम में बहुत ही पूर्वक, आदर आदरपूर्वक पोप पॉल दी सिक्स को निमंत्रण दिया था कि आप भारत भूमि में पे आ रहे हैं जो पिता परमात्मा का अवतरण स्थान है तो ऐसे स्थान पर आ करके आप परमात्मा के जो ज्ञान से योग से जो आशीर्वाद वो आप ले सकते हो वो आशीर्वाद देने के लिए भी आते हैं लेकिन लेने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है तो इस तरह से मम्मा ने एक बड़ी टेलीग्राम बनाई लगभग एक पेज पूरा था और वो पोप पॉल दी सिक्स्थ को भेजा गया और ऐसा सुनने में आता है वो टेलीग्राम उनके पास वहाँ रखी है जब पोप पॉल दी सिकस्थ आए थे तो उस समय उनको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से जगदीश भाई रमेश भाई दादी कुमार का प्रकाशमणि दादी शीलिंद्रा दादी और उनके साथ में रतनमणि दादी भी थे इन्होंने पोप पॉल दी सिक्स को इस यज्ञ का जो लिटरेचर है और साथ में जो बड़े हमारे चित्र हैं त्रिमूर्ति गोला और कल्पवृक्ष ये सब आदरपूर्वक भेंट किए थे और उन्होंने रिटर्न में अपनी कमरेटिव मेडल्स सबको दी थी तो मातेश्वरी जी के समय ऐसी बेहद की सेवा भी होती रही है और भी कई ऐसे इंस्टेंस हैं जिसमें मातेश्वरी जी ने हमें सेवा के निमित्त बना दिया एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अपने सेवा केंद्र की बड़ी बहने कह रही थी उस समय मैं बहुत छोटा था और मुझे कुछ इतना भाषण करना नहीं आता था तो मैंने मम्मा को बताया कि मैं तो भाषण नहीं करता हूँ मैं सिर्फ ये सात दिन का कोर्स कराने का जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करता हूँ तो मातेश्वरी जी ने मेरे को अपने पास बैठाया। जैसे कहा जाता है कि जो विद्या की देवी है मातेश्वरी सरस्वती तो मातेश्वरी सरस्वती ने अपने हाथ से मेरे पीठ पर हाथ रख कर के और मुझे तीन मिनट में भाषण करना सिखाया था और ऐसी दृष्टि दी और ऐसे गाइडलाइंस दी कि मैं उसी दिन एक कॉन्फ्रेंस में आधा घंटा भाषण करके आया तो ये बाबा की कहूँ कमाल है और मातेश्वरी सरस्वती जी का वरदान मिला तब से लेकर के मुझे भाषण करने की जो एक क्या कहें सहजता है मैं कभी लिखता नहीं कुछ नहीं जो बाबा करवाता है मम्मा ने जैसे समझाया इस तरह से वो सेवा भी होती रहती है तो मैं मातेश्वरी जी को क्या कहूँ उनके साथ मैंने जो दिन बिताए हैं वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी बन गई मेरा जीवन सफल हो गया और फिर बाबा ने उसको और भी आगे बढ़ाया और हीरे को तराश करके रिफाइन कर दिया ओम शांति शांति शांति